नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बिहार की खबरों में। दोस्तों, बिहार की खबरें लगातार जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको बिहार की खबरें लगातार मिलती रहे। दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने विगत 27 अप्रैल को प्रकाशित असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के रिजल्ट को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार लोकसभा आयोग से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने प्रज्ञानंद शुक्ला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने नए सिरे से एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को प्रकाशित करने की मांग की है। आयोग द्वारा राज्य के गृह विभाग के अंतर्गत 553 एपीओ की नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने बताया कि उक्त मामले में मुख्य परीक्षा के लिए सीट के 10 गुना रिजल्ट निकाला जाना चाहिए, लेकिन आयोग के द्वारा तय संख्या से 36 कम रिजल्ट निकाला गया है। वहीं दूसरी ओर मुख्य परीक्षा आगामी 25 अगस्त को आयोजित होने वाली है। इसको देखते हुए कोर्ट ने आगामी 18 अगस्त को मामले को टॉप 10 केसों में सूचीबद्ध करने को कहा है। प्रारंभिक परीक्षा विगत 7 फरवरी को आयोजित की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता भी शामिल हुआ था। वहीं विगत 27 अप्रैल को प्रिलिमिनरी टेस्ट का रिजल्ट घोषित हुआ था, जिसमें याचिकाकर्ता ने कट ऑफ मार्क्स से 0.25 कम हासिल किया था। याचिकाकर्ता को सामान्य वर्ग में 138.5 मार्क्स प्राप्त हुआ था, जबकि कट ऑफ 138.75 पर निर्धारित किया गया था। इसी कट ऑफ के आधार पर आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रारंभिक परीक्षा में 2214 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। बीपीएससी ने 2214 उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग से लिया, जबकि सामान्य वर्ग के लिए 225 सीट है, इसलिए 2250 उम्मीदवारों को शामिल करना चाहिए था। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।